अभी मैं वापी से आई हूँ, गाती भी हूँ। प्रेरणा, अगर बात करें गाने की, तो कहाँ से आपने प्रेरणा मिली आपको ये गाने की, कैसे कैसे आपने सीखा? मम्मी पापा कितना सहयोग देते हैं? सुरेश जी, जिनके यहाँ पे आप सीखते हो, सिखाते हैं, सुरेश जी, उनका कितना योगदान है इस चीज़ में? जी बहुत सारा, सब उनका ही योगदान है सर। जी जी, और उसकी वजह से ही मैं सच्ची मुच्ची गा पाई हूँ। कब से आप गा रहे हैं? और मम्मी पापा की बात करें तो मम्मी पापा कितना सहयोग करते हैं? बहुत पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, प्रेरणा बात करें गाने की, तो ये दर्शक जो आपको देख रहे हैं टीवी पे, दो लाइन कोई अच्छा सा गाना जो आपको, दो लाइन गाना सुना दे। हाँ, जो आपको पसंद है ना वो गाना, पसंद का दो लाइन। और हाँ, मैंने गाना में बदला छाए, बिजली से चमके हाए, इतने बिलावा है दरबार लारे है, नैनों में बदला छाए। प्रेरणा, दो दिन बाद कल कल गणपति बप्पा आ रहे हैं, उनके आगमन पे कोई दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे गणपति बप्पा के, गणेश जी के बारे में कुछ गाने लें, गणेश जी से, गणपति जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा, एक आरती नहीं बेटा, सुनीता अग्रवाल है। आपकी बेटी जो सिंगिंग किया, अगर बात करें कब से सिंगिंग करती है? और वो जब से बोलना चालू किए तब से वो सिंगिंग ही करती है। शुरुआत कहाँ से है बात करें? पहली बार इन्होंने गाया, इतना अच्छा गला है, और आपने कैसे बाल उड़ा के सिंगिंग में जाएगी? वो बचपन में जब भी बोलना चालू की तो उसने गाते हुए ही मतलब स्टार्टिंग किया बोलना। आप कितनी हेल्प करते हैं इसमें? मेरा पूरा सहयोग है, वो बच्ची जब तक गाएगी तब तक मैं उसका साथ दूंगी और अपने आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगी। हाँ, इंडियन आइडल जूनियर में ये आई थी फर्स्ट सीजन में, वहाँ पे भी जजू का बहुत सहयोग मिला था, और बाद में फिनाले में इसको बुलाया गया था, तभी मिस्टर बच्चन ने भी बहुत इसके लिए कहा था, उनके लिए ट्वीट किया था। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम वापी से हैं। कोई एक फेवरेट गाना गुनगुनाएंगे जो काफी दिल के, काफी के जो पहले गाना जिससे शुरुआत की? अच्छा, कोई भी अच्छा गाना सत्यम से सुनना है, हम दो लाइन गा दो। अच्छा सर, नया गाना मुझे जो आपको पसंद है वो गाना, आपको जो अच्छा लगता है वो गाना। श्रेया दीदी का, हाँ गा। मोहे रंग दौड़ा, मोहे रंग दौड़ा, नंग गेरा छेड़ो रहे बस रंग दौड़ा, मोहे रंग दौड़ा, देखो देखो तुझको तुझको महसूस करते हैं कि इस उम्मीद पे पेरेंट्स को चिंता होती है, अपने घरों के साथ कह सकते हैं इतने बड़े शो में हिस्सा लिया इन्होंने। वैसे कहा जाता है कि बेटियां नसीब वालों को मिलती है, लेकिन स्पेशल बच्चे किसी एक को ही मिलते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत नसीब वाली समझती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ, इसकी माँ बनकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। कितना आगे तक जाएगी आपको क्या लगता है? माँ ही बता सकती है इस बारे में? नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकती, वो तो वक्त बताएगा कि ये कहाँ तक जाएगी। थैंक यू।